एक पहेली पूछता हूँ तुमसे। जी जी जी, तुम लोगों के लिए ही अभी। हरा झंडा लाल मकान, हाय हाय तौबा करे पठान, क्या है? हरा झंडा लाल मकान, हाय हाय तौबा करे पठान, लाल मकान। ये जानी, हरा झंडा लाल मकान, हाय हाय तौबा करे पठान। नहीं आ रहा जहन में? नहीं नहीं जानी यार, इस चीज का इस्तेमाल रोज होता है तुम्हारे यहाँ। नस्वार तो नहीं है? अरे वाह 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 वाह, भाई जान ने क्या जवाब दिया, लेकिन इनका जवाब गलत है। ये मुझे बताओ, नस्वार खाते हो? नहीं नहीं। अरे वाह वाह वाह, ये पठान और नस्वार का क्या ताल्लुक है? जानी नस्वार तो सब रखते हैं, वैसे वो बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए ज्यादा शायद हम लोग पे आ जाती है। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं कि पठान और नस्वार का वो ताल्लुक है जो महबूबा और आशिक का होता है। बिल्कुल है, कुछ लोग नहीं, उसके बगैर खाना भी नहीं खा सकते। ऐसा है ना? बिल्कुल है, देखा है लोगों को हमने। कभी रखी है? नहीं नहीं, कभी नहीं रखी। ये फ़खर जमान खेलते हुए रखता है? हो सकता है फ़खर जमान को पता होगा, हमें तो नहीं पता। यार नस्वार अच्छी चीज़ है, बस एक ज़िंदगी में टेंशन, मेरे ख्याल से किसी को आदत हो जाती है, फिर वो रखने लग जाता है, बस फिर आदत सिलसिला चलता रहता है। अच्छा यार, अब तुम पठान हो, तुम्हारे तवसुत से मैं चाहता हूँ कुछ बात बाकी के बनाने वाले पठानों तक भी पहुँचे। नाज़रीन करामी, नस्वार अब आम हो गई है, कुछ नस्वार का मिल्क शेक निकालो यार, आम घोल के पी सके। ये हमारे जो है वहाँ पे उनको हम कहते हैं बम्बू रिसानी, आपने सुना होगा, तो वो यही कह रहे थे कि मैं अभी, मैं सियासत को थोड़ा सा पीछे हट के ना, मैं अभी नस्वार के ब्रांड निकालना चाहता हूँ, फ्लेवर्स निकालना चाहता हूँ उसमें। वाह 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 वाह, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर है कोई जदीद उसमें? वो उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में कहा है वहाँ पर, तो वो वाह 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 वाह। तो खानों के अंदर नस्वार डाली कभी? नहीं नहीं, नस्वार तो आप खा नहीं सकते, निकल नहीं सकते। निकल नहीं सकते, निकल ये मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं, आप फिर गए, निकल लिए तो फिर हम निकल लेंगे। रखते हैं नस्वार, ये मैं सबको बताएं, नस्वार रखते। अच्छा दिखाओ जरा करके, कैसे रखी जाती है? जानी बस बॉल बनाते हैं, जिधर रखती है होंठों के, जिधर आप दिखाओ ना, ऐसे प्रटेंड करो कैसे। ऐसे रख देते हैं यहाँ पे, बस बॉल बनाए रखे और बस काम शाम चलता रहता है, बस फिर आपके यहाँ पे। अच्छा वापस आते हैं, हरा झंडा लाल मकान, हाय हाय तौबा करे पठान, क्या है? हरा झंडा लाल मकान, हाय हाय हरा झंडा लाल मकान, लाल मकान। यार जहन के ऊपर जरा थोड़ा सा जोर डालो, देखो तुम अच्छे पहले चंगे पहले नौजवान हो। जानी मिसालें इस तरह की ज़्यादा हमने सुनी नहीं है ना, इस वजह से हरा झंडा लाल मकान, हरा झंडा। तुम्हारे खानों के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल होता है भाई, और लाहौर में तो बहुत ज़्यादा होता है। ये खाने में मतलब गोश्त है कोई? गोश्त इसके बगैर पकता नहीं है। मसाला, नमक है, क्या है, मसाला है कोई, क्या हो सकता है इसके अलावा? मसाला, गोश्त, कुछ सब्जी है? हाँ सब्जी है, सब्जी है मकान। अच्छा ये टमाटर तो नहीं है? टमाटर, टमाटर नहीं है लाला, हरा झंडा लाल मकान। टमाटर कहाँ से हरा होता है? मैं समझा शायद नीचे से लाल होता है, ऊपर से हरा होता है थोड़ा सा टमाटर, तो शायद यही होगा और क्या। गलत है आपका जवाब जी, इतनी सोचती इससे। अभी मिर्चें लगी हैं? नहीं, नॉर्मल खाते रहते हैं मिर्चें, अभी तो यहाँ पे आदत हो गई। कहाँ लगती हैं मिर्चें ज़्यादा इंसान को? मुँह पे, जबान। पक्की बात है? यार मिर्चें कभी कभार मुँह पे भी लग जाती हैं, हाथ पे भी लग जाती हैं काटते हुए। हाथ पे तो आपको महसूस नहीं होती ना, लग तो जाती है, लेकिन महसूस ज़्यादा यहाँ पे होती है अगर होंठों पे। और फिर वहाँ होती हैं? फिर वहाँ पे होती है, जब आप अगर ज़्यादा खाओ तो एहतियात करनी चाहिए। मैंने तुम्हें बातों के अंदर ही जवाब दे दिया। मिर्ची, सब्ज़ में लाल मिर्च, लाल मिर्च और सबर मिर्च, सब्ज़ मिर्च सही, लाल, हाँ वाकई ये भी। जवाब तो मैंने ही दिया है, भाई ने मुझे जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन यार मज़ा आया आपसे बातचीत करके, अच्छे बंदे हो। मुझे शादी हुई है? नहीं नहीं। क्यों? दरअसल कोई मसला नहीं, घर वाले कह रहे कि आप ऐसे करें कि पहली तनख्वाह ले आए, बाकी सब हम करेंगे, फिर अच्छा लगता है। शादी? अच्छा अपने दिल की क्या ख्वाहिश है बताओ शादी करने के लिए? बस ये बीएस हो जाए फिर। मतलब कि है लड्डू, है लड्डू फूटना चाहिए, वो तो है लाजमी बात है, जल्दी करनी चाहिए शादी, तो अच्छी बात है जल्दी। अपनी खातून के अंदर क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो तुम डिमांड करते हो कि हाँ भाई ये होनी चाहिए? मैं तो हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि जब दो लोग हो ना, वो एक साथ रहते हैं, उनमें मोहब्बत खुद हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग की लव मैरिज ही हो। और मोहब्बत ज़रूरी है ना बच्चों करना, जब मोहब्बत तुम पहला कर लेंगे कि बच्चे की बह के कैंचे खेडने ने। वही मैं कह रहा हूँ, जब आप सारी बातें शुरू में ही कर लोगे, बाद में आपके पास कुछ नहीं होगा फिर कहने को, तो और हो जाओगे एक दूसरे की शक्लें देख के। इसीलिए यू आर अगेंस्ट लव मैरिज? अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेटर है, और माँ बाप का जो फैसला होता है वो अगर गलत भी हो तो अल्लाह उसको सही कर देता है। कभी लव हुआ?
एक दफा बस, उसके बाद ज्यादा नहीं हुआ। लड़का खुल रहा है आहिस्ते आहिस्ते। एक दफा बस। कब हुआ था वो? बचपन की कच्ची कच्ची मोहब्बत थी। कच्ची मोहब्बत थी तो पक्की के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की मेरे भाई ने? नहीं, हम वो सीनियर थे हमसे, हम जूनियर थे बस। अरे वाह वाह वाह, ये कच्ची उम्र का प्यार भी बहुत गहरे जख्म छोड़ के जाता। बस मोहब्बत जो है आपको ना वालदेन से करनी चाहिए और अपने दीन से, मैं तो ये कहता हूँ कि खराब कर देती। नाज़रीन-ए-किराम, बहुत अच्छी किस्म की इन्होंने बात की यहाँ पे कि मोहब्बत भाई वालदेन से करें, अपने दीन से करें।